हमने यही बताया कि हम लगातार 15 दिन से 20 दिन से इंदौर लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, मंत्री से भी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, परंतु इंदौर में जो उनका सपनों का शहर था मुख्यमंत्री का, वो इंदौर में अभी तक एक बार भी इंदौर में नहीं आए। परंतु कमलनाथ जी इंदौर में आके इंदौर की जनता से मिले, हम लोगों से बात करी, उन्होंने पूरा हाल चाल पूछा कि भाई यहाँ इंजेक्शन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अस्पताल कितने चालू हुए। हमने उनको सब बताया कि इंदौर में एक सेवा का अस्पताल था, उन्होंने सिर्फ उनको महत्वपूर्ण चालू किया, MBI का अस्पताल है जहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, डेंटल कॉलेज उसको चालू नहीं किया, मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया, परंतु ये सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर में लाशों को ढेर लगे हैं, इंदौर के अंदर 52 शमशान हैं, उन शमशानों में सब में लाशें जल रही हैं और ये 5 से 10 से लाशें बता रहे हैं। वो इंदौर के जितने विधायक और जितने मंत्री ये इनके परिवार के लोग सब इंजेक्शन बेच रहे हैं और लाखों रुपये में पकड़ा भी रहे हैं। इंदौर में कई लोग पकड़ाए हैं, उन्होंने बोला कि हम विधायक के घर से लेके आए। अब तो शर्म वाली बात आने लग गई है, जो इंदौर के हमारे प्रभारी उनके बेटे खुद चिंटू ऐसा काम कर रहा है, इंदौर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इंदौर शहर में आदमी जो प्रभारी मंत्री बैठे हुए वो अपने घर में बैठे हुए MBI का दौरा करते हैं, अभी तक सवाल चालू नहीं करा पा रहे हैं। जनता अब कब तक मरेगी, आप कब तक इंतजार करेंगे, उनको हमने सब बताया। इंदौर के प्रभारी बनने के बावजूद तुलसी सिलावट जी इंदौर में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चूड़ी पहन के अपने घर में बैठे हुए हैं, उनके पूरे पार्टी के लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर में इंजेक्शन बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इंदौर में देखिए रोज 400-500 इंजेक्शन आ रहे हैं, बाकी इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने घर से द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहा है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ मंत्री जी के परिवार को, उनके परिवार पूरा इंजेक्शन बेच रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो चूड़ी पहन के घर में बैठे, वो इंदौर की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी।